देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सिटी इंडिया न्यूज के रियासती खबरनामा आयनाए दक्कन पेश करते हैं। कच्ची शॉप खवातीन और दोशीजाओं की नित नए और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज। कच्ची शॉप मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासती खबरनामा आयना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीसे शरीफ। अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ما اسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، بخاری و مسلم। टखनों का जो हिस्सा पायजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नम में जाएगा। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना स्कूलों और कॉलेजों को गर्माई तातीलात का ऐलान। तेलंगाना में तिब्बी अमला की खिदमत काबिल सताइश, मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी। स्कूलों और जूनियर कॉलेज के तलबा को गरमाई तातीलात पर चीफ मिनिस्टर ने वजीर तालीम और चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद एक अहम फैसला किया है। इस खसूस में सियासती वजीर बराए तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि अप्रैल की 27 तारीख से 31 मई तक गरमाई तातीलात दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एकम जमात नहम जमात तक जुमला 53.79 लाख तलबा को प्रमोट करने की उन्होंने बात की। इसके अलावा 10वीं जमात में ज़ेर तालीम 5,21,392 तलबा को भी प्रमोट करने की उन्होंने बात कही। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज कहा है कि हैदराबाद में दवाखानों में बिस्तरों में इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम सरकारी दवाखानों की तिब्बी अमला की सताइश करते हुए कहा कि दवाखानों में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला पूरी जानसारी के साथ काम कर रहे हैं। दवाखानों में ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, ना ही दीगर अद्वियात की। अगर कमी है तो बिस्तरों की कमी। इस खसूस में उन्होंने रियासती वजीर सेहत से बात करने की भी बात कही। वजीर दाखिला ने आज कच्ची बाउली में वाक़ नीम्स अस्पताल का भी मुआयना किया। నేను నిన్నటి నుంచి ఎన్ఆర్బిఎం మాస్క్ కొరత లేకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అధికారులను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. అదే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వము స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ ఏదైతే రాష్ట్రాల దగ్గర ఉంటుందో ఆ డబ్బును పూర్తిగా ఉపయోగించుకొని రాష్ట్రాల దగ్గర అడ్వాన్స్ ఉంటుంది అన్ని రాష్ట్రాల దగ్గర డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీగా ఉపయోగించేటువంటి డబ్బు ఉంటుంది. ఆ డబ్బు అన్ని రాష్ట్రాల దగ్గర ఉంది, దాన్ని వెంటనే యూజ్ చేసుకొని కొత్త హాస్పిటల్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ ఎక్విప్మెంట్ కొనడం కానీ ఆక్సిజన్ కొనడం కానీ లేకపోతే వెంటిలేటర్స్ కొనడం కానీ ఇతరత్ర చేసుకోవాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి నిధుల కొరత లేకుండా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ నుంచి కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్ నుంచి కూడా నిధులు ఉపయోగించుకొని ఈరోజు కోవిడ్ని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వివిధ రంగాల కోసము రాష్ట్రానికి నిధులు మంజూరు చేస్తారు, ఆ నిధులను కూడా మీరు డైవర్ట్ చేసి కోవిడ్కి ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి స్పష్టంగా మరి అధికారాలు రాష్ట్రాలకు ఇచ్చాము. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వము బడ్జెట్లో హెల్త్ కోసం కేటాయించినటువంటి డబ్బులను తాత్కాలికంగా అవసరమైనంత మేరకు ఆ నిధులను కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మళ్లించుకొని ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా కోవిడ్ నరికట్టే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా అన్ని రాష్ట్రాలను కూడా కోరడం జరిగింది.
फलकनुमा पुलिस की जानिब से आज पुलिस स्टेशन हुदूद में वट्टेपल्ली मंदिर के पास खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाने वालों पर चालान आयद किए गए। इस मौके पर गाड़ियों के दस्तावेजात और पेंडिंग चालानात की भी तनखी की गई। नुमाइंदा सैबराबाद मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। किशनबाग इलाके में आवाम की जानिब से कर्फ्यू के कवानीन की खिलाफ वर्जी की खबर पाकर कल बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई। पुलिस स्टेशन के मुतालिका पुलिस अहदेदारों ने किशनबाग इलाके में घूमकर कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर पुलिस अहदेदारों ने कहा कि कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस बस डेडन शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांजीवरम, थर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। फोन नंबर 8639633433। कॉस्मिक ब्रेक जोन CBZ नंबर वन है कॉस्मिक बेक जोन, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है,
जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तियाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीरमाल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तियाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कास्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कास्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गोरमिट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहां, बार बार आने को चाहे यहां। फ्रेंड्स चॉइस हरीज, फ्रेंड्स चॉइस हरीज, असली घी और ड्राई फ्रूट से तैयार करदा लजीज और जायकेदार हरीज। मटन और चिकन हरीज सिर्फ 70 रुपए फी प्लेट, फैमिली पैक 420 रुपए और जंबो पैक 700 रुपए में दस्तियाब है। पिछले 10 साल से आवाम की खिदमत में फ्रेंड्स चॉइस हरीज, एक बार खाएं तो खाते रह जाएं। फ्रेंड्स चॉइस हरीज, फिर देर किस बात की, आज ही और अभी आएं, खुद खाएं और घर वालों के लिए लेकर जाएं। पार्सल का भी खुसूसी इंतजाम है। फ्रेंड्स चॉइस हरीज, हमारा पता रूबम समीर गार्डन, हसन नगर, एक्स रोड, नियर पुलिस एकेडमी। फोन नंबर 8019579100। फ्रेंड्स चॉइस हरीज। जिला मंचरियाल के चिनूर मंडल के मौजे संसाला में 5 दिन से एक मजहबी नाटक की नुमाइश की गई, जिसको सारे मौजे की आवाम देखने आ रही थी। नाटक के कलाकारों में से एक शख्स कोरोना से मुतासिर था और ये एक के बाद दीगर 5 दिन में सारे मौजे में कोरोना फैल गया और अब नौबत ये आ गई है कि सारे मौजे को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ना ही कोई आ सकता है और ना ही कोई मौजे में जा सकता है। दादा कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र अब शादनगर महकुमा बल्दिया की जानिब से एहतियाती इकदामात उठाए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में आज शादनगर मुस्तकर की पैराडाइज कॉलोनी में कोरोना से तहफ़ुज़ के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस खुसूस में बल्दी अमला ने घर घर पहुँच कर आवाम से वबा के ख़िलाफ़ एहतियाती इकदामात के मुतालिक शऊर बेदार किया।
तरफ हुकूमत आवाम को कोरोना से तहफ्फुज़ की फराहमी के तौर पर रात का कर्फ्यू नाफिज कर रही है, तो दूसरी तरफ वहीं आवाम इस कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी में सबसे अव्वल है। जी हाँ, यह हाल है सूर्यापेट ज़िले का। इस ज़िले में श्री राम नवमी के बाद 3 दिन तक मजहबी प्रोग्राम और मजहबी नाटक की पेशकशी एक कदीम रिवायत है। इसी के चलते ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों के मौजात में कर्फ्यू का पास व लिहाज किए बग़ैर आवाम इन रिवायती और सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद में लगी हुई है, जिससे इलाके में कोरोना फैलने के ख़तरे में इजाफा हो गया है। बल्दिया बोधन के बल्दी हलके 25 में ज़ुमनी इंतखाब के मौके पर आज मजलिसी उम्मीदवार पदमा की इंतखाबी मुहिम में सदर मजलिस मुशीर बाबा की क़यादत में चलाई गई। आज की इस इंतखाबी मुहिम में हैदराबाद से इंतखाबी मुबसर शाकिर खान सलमान के अलावा मुकामी कौंसलर अल्ताफ और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर हलके में घर घर पहुँच कर मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में वोट की अपील की। रजा क्या नंबर पे मामा? जैसे कि माजी में भी आप लोग जानते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से हमारे दलित भाई बिंजर गंगाराम को हम मौका दिए थे, वो लोग यहाँ से आप लोगों की मेहरबानी से जीतकर आए थे। इंशाल्लाह आप लोग फिर एक बार हमको मौका देते हुए 30 तारीख के दिन आपका कीमती वोट पतंग के हक़ में देके असद साहब और अकबर साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। पद्मा मैडम आपके गली के है, आप इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके वहाँ तक भारी अक्सरियत से इनको जिताने की कोशिश कीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हम लोग पूरे एक साथ में, मैं हैं, हमारे काउंसलर से और हमारे इंचार्ज बलाला साहब है, सब मिलके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी अभी आप एक सवाल पूछे थे गली में कंट्रोल शॉप नहीं है बोल के, इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बलाला साहब के नॉलेज में लेके जाएंगे। हम हो सके तो असद साहब तक भी लेके जाके एक कंट्रोल शॉप लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा सिटी डिजिटल सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। Oh, oh, oh.